में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब करें। जय हिंद मेरे मित्र, चैनल एन टीवी लाइव न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। इस बार की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिन है 30 सितंबर 2022। मेरठ में बड़ी वारदात सामने आई है। यहां मेरठ के नील गली में स्थित ज्वेलरी शोरूम के कारीगर करोड़ों रुपए का सोना और जेवर लेकर फरार हो गए हैं। वहीं उनकी आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिली है। कारीगर को 1.5 साल पहले ही नौकरी पर रखा गया था। आपको बता दें, मेरठ डेलीगेट थाना क्षेत्र के पुरवा महावीर नगर निवासी शफीकुल का नील गली में हल्दर नाम से एक ज्वेलरी शोरूम है। उनका कहना है कि करीब 1.5 साल पहले कोलकाता निवासी चिरंजीत और देवाशीष निवासी डुबरी भेरी किरवा हुगली पश्चिम बंगाल को अपने यहां काम पर रखा था। सारा काम काज ये दोनों ही देख रहे थे। वहीं बुधवार को जेवर बनाने के लिए उनको काफी सारा सोना दिया गया था। वहीं बाजार के अन्य व्यापारियों का सोना भी इनके पास है, कुछ के जेवर भी थे। देर शाम से उनका कहीं पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि बुधवार रात इन दोनों ने व्हाट्सएप के जरिए फोन पर बात की थी और किसी रिश्तेदार के यहां जाना बताया था और कहा था कि गुरुवार को वो लोग वापस लौट आएंगे, लेकिन वह आए नहीं। इसके बाद गुरुवार शाम को व्यापारी दिल्ली गेट थाने पहुंचे और दोनों के खिलाफ तहरीर दिए। पूरी घटना पर क्या कह रहे हैं एसएसपी मेरठ रोहित साजमना, ये देखिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। थाना दिल्ली गेट के अंतर्गत एक ज्वेलर, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनके यहाँ दो कारीगर जो बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल के थे, वो काम करते थे और उनको उन्होंने कुछ सोना गहने बनाने के लिए दिए थे। और जब वो उनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो उनसे संपर्क नहीं हुआ फ़ोन से, और उसके बाद उनका फ़ोन भी बंद हो गया और उनका जो सोना था उन्होंने वापस भी लौटाया नहीं। इनके द्वारा थाना दिल्ली गेट पर धारा 406 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया और दोनों ही जो फरार इनके जो नौकर हैं जिनको इन्होंने सोना दिया था, कारीगर जो हैं जो सोने का आभूषण बनाते हैं, वो फरार चल रहे हैं। पुलिस के द्वारा उनको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे जो भी उनका रिकवरी वो की जाएगी। ये क्योंकि कारीगर थे और ये सामान्यतः जो सोना जो ज्वेलर्स होते हैं ये कारीगर अपने यहाँ काम करने वाले रखते हैं, तो अभी प्रकरण में पता चला कि वेरिफिकेशन नहीं हुआ था और इनका जो सोना है वो लेकर चले गए हैं, इस तरह की बात निकल के आई है।